हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, 11 जुलाई एसएससी सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। पेपर में होने वाले जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारा का सारा मैं लेके आ गया हूँ। फ्रेंड्स, आज के दिन बहुत सारे फुल फॉर्म्स पूछे गए हैं, तो फुल फॉर्म्स में देखिए 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के दिन में। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है बस वही लेके आया हूँ, फटाफट देखेंगे। और इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, मैंने बताया, मैं रोज बताता हूँ आपको कि हर दिन के थर्ड शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट, तीनों को शिफ्टों की जब लेके वीडियो आता हूँ तो उसमें सारे के सारे आंसर रहते हैं, विद आंसर रहते हैं, और वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो वो वीडियो देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपको फटाफट जल्दी जल्दी प्रोवाइड करने के चक्कर में क्या होता था कि मैं आंसर नहीं लेके आता हूँ इसका। तो फटाफट देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, 17वें लोकसभा का वित्त मंत्री पूछा गया है कि कौन है, कौन है पूछा गया है 17वें लोकसभा का वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं अभी हाल ही में, ठीक है। और मैन का फुल फॉर्म देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर का मैन होता है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको, मैन बोलते हैं इसको, मैन का फुल फॉर्म पूछा गया था, ये कंप्यूटर में आपको देखने को मिलता है। साबरमती नदी किस राज्य से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साबरमती जो है ना नदी है, जो रिवर है, वो किस राज्य, कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पूछा गया था, और भी एक बच्चे ने बोला कि आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इन दोनों में से कोई भी एक का मुख्यमंत्री जरूर पूछा गया है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री का नाम पूछा जरूर गया है। नृत्य देखिए फ्रेंड्स, नृत्य को थोड़ा घुमाकर पूछा जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया फ्रेंड्स कि 25% या 30% सिर्फ अटेंडेंस रह रही है बच्चों की, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कट ऑफ जो है ना, कट ऑफ मैंने बताया था कि कट ऑफ कम जाने वाली है, ज़्यादा जाने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं बस सारे के सारे कॉम्पिटिटिव हैं, और ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं बस वो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, और उसके बाहर कोई भी बच्चे नहीं आ रहे हैं एग्ज़ाम देने वाले, क्योंकि यहाँ पर देखिए यू पी पुलिस का सिलेक्शन हो चुका है अगर बच्चों का, इसलिए वो इस जॉब को छोड़कर उस जॉब पर लग चुके हैं, इसलिए इसको छोड़कर वो वहाँ पर चले गए हैं। नृत्य से लेकर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि चार ऑप्शन दे रखे थे, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन हैं सारे के सारे, सभी को पता है, बच्चे सभी बच्चों को पता है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। नृत्य में पूछा गया था कि कौन सी इसमें से नहीं है, ठीक है, ऐसा ही झील में पूछा गया था कि झील में ऐसे ऐसा कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन है जिसमें वो झील नहीं है। IFSC कोड जो होता है बैंकों में लगने वाला IFSC कोड, उसका फुल फॉर्म पूछा गया था। सारा का सारा आंसर आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स थर्ड शिफ्ट में, जब लास्ट में जब मैं वीडियो बनाता हूँ रात को 8 या 9 बजे के बीच में, तो उसमें आपको सारे के सारे कोड विद कोड आंसर मिलते हैं, और सभी के सभी आपको रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलते हैं। फीफा का फुल फॉर्म पूछा गया था फ्रेंड्स, तो फीफा का याद रखिएगा, फिफाफा का वर्ल्ड कप सॉरी फुल फॉर्म पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि रोवर्स कप किस खेल से संबंध रखते हैं, तो रोवर्स कप याद रखिएगा फ्रेंड्स किस खेल से संबंध रखते हैं, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। पुनीला गोपीचंद याद रहे फ्रेंड्स, पुनीला गोपीचंद जो है ना किस खेल के चीफ बने हैं हाल ही में, अभी चीफ बने हैं, चीफ मेंबर बने हैं अभी हाल ही में, तो बैडमिंटन के कोच हैं, रह चुके हैं पहले भी, और बैडमिंटन के सिल्वर मेडलिस्ट भी रह चुके हैं बहुत ही पहले, तो इसलिए याद रखिएगा ये कोच रह चुके हैं और सिल्वर मेडलिस्ट, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, और इनको हाल ही में चीफ बनाया गया, खेल के चीफ को चीफ के रूप में बनाया गया है। झील में कौन सा ऐसा झील नहीं है जो ऑप्शन में नहीं रहा, नहीं था। एक मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, सीजीएल के टाइप का क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स बहुत थोड़ा कॉम्पिटिशन टफ हो रहा है फ्रेंड्स, मॉडरेट टू हाई लेवल, आज इसका लास्ट दिन है, तो लास्ट दिन में थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाएगा जरूर, पता है मुझे भी को पता है, सभी को पता है कि क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा जरूर। α1 + α2 + α3 + ……. तक गया था इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेरा दोस्त खुद एग्जाम देकर आया है और उसने बताया कि भैया इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं एलजेब्रा के, देखिए फ्रेंड्स 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एक क्वेश्चन पूछा गया था cosec स्क्वायर 30 प्लस sec स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 30, सभी का आपको अगर वैल्यू पता है तो बस पुट करिए आंसर आपको मिल जाएगा, बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। DI के रूप में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, DI का जो डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लेटफॉर्म और ब्रिज और ट्रेन की लंबाई दी रखी थी, जिसमें बताया था गया था कि ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो कितने समय तक के बाद प्रोसेस खत्म होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन पूछा गया था और टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ए जो है 20 डे में अपना काम खत्म करता है, बी जो है 20% काम खत्म करता है 6 दिन मिलाकर, और ए और बी दोनों मिलाकर 50% वर्क काम करते हैं, कितने दिनों में ये काम पूरा करेंगे,
टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिंप्लीफिकेशन था जो बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड था, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया था जो इससे रिलेटेड था, 16.36.64 उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको स्क्वायर करने पर देखिए आएगा कि नहीं, मुझे तो डाउट है कि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। आप इसको करके देखिएगा और मिले तो बताइएगा, नहीं मिले तो मुझे वो भी बता दीजिएगा। 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आ जाएगा। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लड रिलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सीरीज का क्वेश्चन था 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर के रूप में बने हुए हैं। ट्राइंगल से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल ट्राइंगल में कितने बनेंगे, तो 11 ट्राइंगल टोटल बने थे। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एब्स्ट्रैक्ट पूछा गया था, एब्स्ट्रैक्ट इसका सिनोनिम, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, एब्स्ट्रैक्ट का सिनोनिम्स पूछा गया था और एंटोनिम्स भी एक आया था, और एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अमित राहुल के ऊपर एक वार्तालाप चल रही है, कि कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है अमित राहुल से। तो जो बच्चे अगर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर उनको ग्रामर का थोड़ा भी अच्छा से जानकारी होगा तो वो अच्छे से इसको क्रैक कर सकता है। क्लोज टेस्ट था जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड था, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए बोला गया था। क्लोज टेस्ट वो इसी टाइप का क्लोज टेस्ट था जिसमें प्रीपोजिशन टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो आराम से आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन था मुझे मुझे जहाँ तक लग रहा है ये वेन डायग्राम है, फ्रॉग स्नैक और रेड। देखिए फ्रेंड्स याद रहे, फ्रॉग को स्नैक खाता है और रेड को भी स्नैक खा जाता है, तो दोनों को कौन खाता है, स्नैक खाता है, ठीक है। ऐसा टाइप का कुछ वेन डायग्राम बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और एक मैनेजेबल का स्पेलिंग मिस्टेक पूछा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको मिल जाएंगे पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ, आपको उसको डाउनलोड कर लीजिएगा विच PDF फाइल। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, और मिलूंगा जो नेक्स्ट वीडियो उसमें आपको बहुत सारे और भी जानकारी मिलेगी विथ आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।